नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं डीडी फ्रीडिस के डीडी नेशनल चैनल के बारे में, जिस पर हुआ है बहुत बड़ा बदलाव। बताएंगे क्या है बदलाव और कब से हुआ है ये बदलाव, बताएंगे सारी जानकारी हम विस्तार से। लेकिन अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली सभी लेटेस्ट जानकारियां आपको मिले सबसे पहले। और फ्रेंड्स, हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल वहा फ्रीडिस 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सबको मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं डीडी फ्रीडिस के डीडी नेशनल चैनल के बारे में, जो कि 15 अगस्त 2023 से रिब्रांड हुआ है, जिसकी बदलाव के बारे में हम सबसे पहले बात करें। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि टीवी स्क्रीन पर एक लोगो नजर आता है जो कि डीडी नेशनल चैनल का बिल्कुल ही डिफरेंट लोगो हो चुका है। और इसके ग्राफिक्स की बात करें तो ग्राफिक्स भी बिल्कुल चेंज हो चुके हैं। और वहीं बात करें पिक्चर क्वालिटी की तो कहीं ना कहीं पिक्चर क्वालिटी में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है, यानी अच्छी क्वालिटी की गई है डीडी नेशनल चैनल की। और वहीं बात करें प्रसार भारती की ओर से इस चैनल पर नए शो भी शुरू किए गए हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें 15 अगस्त को एक और नया बदलाव आपको डीडी नेशनल पर देखने के लिए मिला। जैसे कि 15 अगस्त को देशभक्ति सॉन्ग्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, वैसे ही देशभक्ति सॉन्ग्स में बदलाव किया गया है। यानी हम आपको बताएं तो उसकी लैंग्वेज चेंज की गई है। जैसे कि हम आपको बताते इस सॉन्ग का नाम है क्रांति फिल्म का, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। ये सॉन्ग के आपको वर्ड हिंदी में सुनने के लिए मिलते हैं, लेकिन डीडी नेशनल की ओर से इस सॉन्ग को पूरा का पूरा संस्कृत में चेंज कर दिया। जी हाँ, पूरा का पूरा सॉन्ग ही संस्कृत में दिखाया गया है, जो कि डीडी नेशनल की ओर से पहली बार लॉन्च हुआ है। और पहली बार इस सॉन्ग को आपको डीडी फ्रीडिस के डीडी नेशनल पर सबसे पहले देखने के लिए मिला है। और वहीं बात करें सुभाष घई का, एक निर्देशन में एक शो और भी बना है जो कि आपको डीडी नेशनल पर देखने के लिए मिल रहा है 15 अगस्त 2023 से। और वहीं बात करें अब डीडी नेशनल की ओर से एक और पहल शुरू करने जा रहा है, जो कि डीडी नेशनल पर आपको दोपहर 1 बजे मूवीज देखने के लिए मिलती है, जो कि हिंदी मूवीज आपको देखने के लिए मिलती है। लेकिन अब आपको डीडी नेशनल पर शुक्रवार और शनिवार आपको रात को डीडी नेशनल चैनल पर मूवी देखने के लिए मिलने वाली है। और वहीं बात करें किस तरह की मूवीज आपको देखने के लिए मिलेगी, तो हम आपको बता दें कि डीडी नेशनल इस पहल में लगा हुआ है कि डीडी नेशनल पर शुक्रवार और शनिवार को जो आपको रात को मूवी देखने के लिए मिले वो लेटेस्ट मूवी देखने के लिए मिले। और इसी पहल में डीडी नेशनल की टीम लगी हुई है। और जैसे ही डीडी नेशनल की ओर से इसका टाइमिंग डिक्लेयरिंग होगी, और वहीं बात करें किस डेट से मूवीज आने जा रही है, इसके बारे में भी अभी कोई ऑफिशियली जानकारी डीडी नेशनल की ओर से नहीं दी गई है। और लेकिन वहीं बात करें एक और चेंजिंग की, डीडी नेशनल पर अगर आपको क्रिकेट देखने के लिए मिल रहा है तो उसमें भी बदलाव किया गया है। जैसे कि हम आपको बता दें डीडी नेशनल पर हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री हुआ करती थी 90s के दौर पर, लेकिन अभी हाल फिलहाल में आपके पास डीडी नेशनल का अपना एक स्पोर्ट्स चैनल है, उस पर हिंदी और इंग्लिश में कमेंट्री होती है। लेकिन वहीं बात करें डीडी फ्रीडिस यूजर्स के लिए एक और पहल की है डीडी नेशनल ने, जो कि आपको मैच का प्रसारण दिखाता है एचडी क्वालिटी में और स्टैंडर्ड डेफिनेशन दोनों में ही, लेकिन अलग अलग भाषाओं में, हिंदी और भोजपुरी भाषा में आपको डीडी नेशनल पर मैच देखने के लिए मिलता है। तो वहीं बात करें अब डीडी नेशनल के एक और बदलाव की, तो डीडी नेशनल एक नया ओटीटी प्लेटफॉर्म भी लॉन्च करने जा रहा है बहुत जल्द। और इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक ऐसा कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा जैसे कि आप यप ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखते हैं, जो कि सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका किंगडम और यूरोप जैसे देशों में धमाल मचा रहा है। वैसा ही कंटेंट आपको इस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि डीडी नेटवर्क का यप ओटीटी प्लेटफॉर्म से टाइप हुआ है। जी हाँ, यप ओटीटी प्लेटफॉर्म से टाइप हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि अमेजोन प्राइम से भी प्रसार भारती का एक एग्रीमेंट साइन हुआ है, जिसमें बताया गया है कि प्रसार भारती अब अमेजोन प्राइम से भी कुछ कंटेंट लेने वाला है जो कि डीडी नेशनल पर प्रसारित होने जा रहा है। और हम आपको बता दें जैसे कि आपको अमेजोन प्राइम पर वेब सीरीज देखने के लिए मिलती है, वैसे ही कंटेंट अब आपको डीडी नेशनल चैनल पर भी देखने के लिए मिलने वाला है। और वहीं बात करें डीडी नेशनल की ओर से एक पहल और होने जा रही है, जिसके बारे में हम आपको लास्ट बताने जा रहे हैं कि डीडी नेशनल की ओर से लास्ट अपडेट है। तो हम
आपको बता दें कि डीडी नेशनल के सभी प्रोग्राम्स अब आपको डिजिटल भी देखने के लिए मिलेंगे, यानी डिजिटल टीम भी अब डीडी नेटवर्क की ओर से बना ली गई है और अब आपको बहुत जल्द डीडी के जितने भी प्रोग्राम्स देखने के लिए मिलेंगे वो आपको डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस यही जानकारी थी कि डीडी नेशनल पर अब बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, कुछ बदलाव हो चुके हैं और कुछ बदलाव अब होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में आपको जानकारी अच्छी लगी हो और आपको लगा हो कि डीडी नेशनल चैनल पर इतना बदलाव काफी है या आप चाहते हैं कि और भी बहुत बदलाव होना चाहिए डीडी नेशनल चैनल पर, आप हमें कमेंट्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और फ्रेंड्स, अगर आज की वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।